दादी, आप अभी तक सोई नहीं? बेटे अगर मैं सो जाऊंगी तो तुम्हारी आंखें कौन खोलेगा? क्या मतलब? अब ये कि अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा। तो फिर तो आप मुझे डांटना फौरन से बंद कर दे। बंद कर दूंगी डांटना भी, लेकिन आज मेरी बात को गौर से सुनो और उसको पल्लू में बांध दो। अगर आप फोन की बात करने वाली है ना, तो मैंने आपकी डांट की वजह से फोन काटा था। फोन की बात नहीं कर रही। फिर देखो माँ पारा, जिसे तुम बेगम साहिबा की मोहब्बत समझती हो ना, वो उनके दिल में छुपी तुम्हारे लिए हमदर्दी है और उसकी वजह भी मौजूद है, लेकिन हर एक के पास वो वजह नहीं होगी। सबके दिल में वो हमदर्दी नहीं होगी जिसे तुम मोहब्बत समझकर खुश होती हो। सब तो मुझसे मोहब्बत करते हैं दादी, आप किसकी बात कर रही हैं? बेटा घर में बहू आने वाली है, और तुमने देखा था ना बहू की अम्मी ने क्या कहा था? कहा था कि मैं घर की फर्द हूँ, फैमिली हूँ मैं। ऐसा अब्बू जी, अम्मी जी, सुहेल भैया सब ने कहा था। उनको ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भाभी की अम्मी को। हाँ, क्योंकि भाभी की अम्मी को तुम्हारा रस्म करना अच्छा नहीं लगा था, वो तुम्हारी हैसियत से वाकिफ है। लेकिन दादी, और जिसका रस्म करना अच्छा नहीं लगा उसका घर आना जाना अच्छा लगेगा? दादी घर में भाभी आ रही है, उनकी अम्मी नहीं, और वो जो कुछ भी वो तो उनकी अम्मी को लगा था ना। और आपको पता, भाभी इतना खुश थी मुझसे कि मैंने उनके लिए शॉपिंग किया, बहुत खुश थी वो। जिस दिन सकीना घर की अच्छी सफाई करती है ना, उस दिन बेगम साहिबा बहुत खुश होती है। आप मेरी बराबरी सकीना से कर रही हैं? मैं सकीना के बराबर आने से ही रोक रही हूँ बेटा। तो दादी आपके वहम भी ना। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे अच्छा डांस करना नहीं आता। अरे भाई, तो जैसा डांस आता है वैसा कर लेना, मतलब तो खुशी मनाने से है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं डांस कर लूंगा खुश, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब आप अपनी अम्मा से शर्तें लगाएंगे। बिल्कुल, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये शर्त मंजूर है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों शराफत से ये दूध पियो और सो जाओ। अच्छा चलें ठीक है, फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे डांस करना है ना, उसके लिए पार्टनर होना जरूरी है। तो क्या मसला है? मेरा बेटा इतना स्मार्ट है, बस स्टेज पे खड़े होकर एक आवाज लगाना, आसानी से पार्टनर मिल जाएगा। नहीं नहीं, जो पार्टनर मुझे आसानी से मिल जाएगी ना, मुझे वो नहीं चाहिए। ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। मेरे भाई का कोई स्टैंडर्ड है, कोई मयार है? ऐसे नहीं किसी भी लड़की पे। राइट, मयार व्यार कुछ नहीं है, दिमाग की खराबी है सारी। अब चलो ये दूध पियो और दोनों सो जाओ, सुबह बहुत काम है। मुझे नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, ये पी के जाओ। मॉम वैसे ही इतनी थकी हुई है, उसके बावजूद भी लेकर आई है मॉम के लिए। अच्छा चलें ठीक है, सिर्फ मॉम के लिए। चीयर्स। छोटा बच्चा है वैसे, लेकिन मान जाता है, समझाओ तो। छोटा बच्चा ही तो है, तभी तो नहीं समझता, बल्कि अक्सर मुझे समझना पड़ती है। एनीवेज, कल हमारी तरफ से जो रस्म है उसके मौके पर मैंने हाजरा को भी यहीं बुलवा लिया, क्योंकि महापारा कह रही थी कि हाजरा नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों की रस्म एक साथ कर लेते हैं। वैसे बात तो ठीक है, और अगर देखा जाए पहली दफ़ा उस लड़की ने अकलमंदी की बात की। एक बात है, जब भाभी मुझे नजर आएंगी ना, मैं ज़रूर डांस करूँगा। ठीक है सनी जी, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय। कितना खुश है ना माशाल्लाह। हाँ ओके, आई गॉट दिस। थोड़ा सा तो ट्राई कर लो यार, मैं नहीं पीऊंगा ये। इज गुड फॉर यू। पी लो। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ओके
पता नहीं आइडिया। शाबाश शाबाश। लग रहा है मोने, तो लग रहा है। किन सोचों में गुम हो? मैं सोच रही थी, रायत के घर में आने से कितनी रौनक हो गई है ना माशाल्लाह। अब एक महीने के बाद ये चला जाएगा तो घर फिर से सूना सूना हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी बहू आ जाएगी तो खूब पार्टीज करना। जी नहीं, मेरी बहू पार्टीज की बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। बहुत सीधी सादी बच्ची है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहती थी। शैला, हाजरा तो अच्छी बच्ची, लेकिन खालदा बेगम ने मुझे बहुत मायूस किया। बहुत छोटी सोच है उनकी। जाने देना आप, अब खालदा बेगम थोड़ी ना हमारे घर आ रही है। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। हाजरा है तो उसे ये समझा देना कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते अपना दिल बड़ा रखे। मापारा हमारी बेटी है। लो भाई, निकल आया चांद, वो भी सुबह ही सुबह। सुबह चांद नहीं निकलता, सूर्य निकलता है सकीना। वो तो बाकी दुनिया वालों के लिए निकलता है ना, लेकिन यहाँ के लिए तो चांद निकलता है, वो भी इसकी सूरत में। तुम्हारी जमान इतनी आग उगलती है कि उसमें खाना पका सकती हो। जा नाश्ता बना महापारा के लिए, वरना अभी भी क्लास ले लेंगी आकर। हाँ तो जाना ही पड़ेगा, जा रही हूँ मैडम का नाश्ता बनाने। वालेकुम अस्सलाम। ये आ गई मेरी बेटी। कल तो तुम सीधी चली गई थी घर। अम्मी जी, आज कितनी सारी तैयारियां भी तो करनी थी ना। हाँ ये तो है, और आज तो तुमने खूब हल्ला गुल्ला करना है। कल भी मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी कि बस। आप देखिएगा, आज भी लड़की वाले ना हमें देखते रह जाएंगे। जैसे कल हम सब देखते रह गए थे, राइट? इसका मतलब है मैं वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। मिस महापारा, अगर आप माइंड ना करें तो मेरे लिए एक कप कॉफी का कहकर आ सकती हैं प्लीज? आप तुम बैठो, नाश्ता करो, मैं सकीना से कह देती हूँ। क्यों, ये इस घर की फर्द नहीं है क्या? मैं कोई काम नहीं कह सकता इसे, ऐसे होते हैं घर वाले। अम्मी जी मैं बोल के आ जाती हूँ, आपके लिए भी बोल दूँ? नहीं नहीं बेटा, बस तुम कहकर आ जाओ, फिर जल्दी से आकर नाश्ता करो, समझ आई? जी। उसके बाद तुमने जाना है फिर हाजरा के घर पे कुछ सामान देने के लिए। अब कौन सा सामान देना है भाभी के घर, और वो भी इसके साथ? Come on, mom, no way. क्या मतलब है इस बात का? और ये no way, ये क्या होता है? फिर बहस शुरू हो गई। आप बस कर चुके हैं नाश्ता? हाँ। मॉम, मुलाजमों को सर चढ़ाने का अंजाम कल देख चुके हैं आप लोग, और मैं बता रहा हूँ दोबारा वही गलती करी आप। महापारों को उसकी जगह पर रहने दें। राहित कैसी बातें कर रहे हो, कल तो तुम उसे सबके सामने इतना डिफेंड कर रहे थे और अब अचानक से ये बात कर रहे हो। देखिए अम्मी, महापारा को आइंदा भाभी के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो हल्ले गुल्ले की बातें आप कर रही हैं ना, आप इसे समझा दें कि मेहमानों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुहेल भैया की शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां की, मैं क्यों नहीं करूंगी हल्ला गुल्ला? क्योंकि मैंने कह दिया, इसलिए। इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? राहत क्यों फजूल बातें कर रहे हो? अरे अपने सुहेल भैया की शादी के लिए उसने इतनी तैयारियां की है, हिस्सा कैसे नहीं लेगी भला? देखिए अम्मी, मुझे जो सही लगा ना मैंने बता दिया, बाकी इस लड़की की मर्जी।
ये क्या बात हुई कि तुम मेहंदी में डांस नहीं कर सकती? तुमने वजह नहीं पूछी? पूछी थी ना, उन्होंने ऐसे आंखें दिखाकर कह दिया कि मैं कह रहा हूं। चलो अब छोड़ो, तुम्हें भी तो ऐसे फिल्मी अकड़ू से एंग्री यंग मैन पसंद है ना। एंग्री यंग मैन पसंद है तो क्या मुझ पर हुक्म चलाएंगे वो? फिर अब क्या, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो मैं मेहंदी में भी नहीं जाऊंगी। कर ले खुद सब कुछ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, राहत भाई तो बहुत बुरे इंसान निकले, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने जालिम निकले वो हैं? हाँ ना, देखो कैसे दो टोक मना कर दिया तुम्हें, जैसे तुम कोई गुलाम हो उनकी। नहीं उनका ये मतलब तो नहीं था। मतलब कुछ भी हो भाई, अगर वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो दिल से तो उतर ही जाएंगे ना तुम्हारे। अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि वो कल मेरे लिए इतना लड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रहे थे, और किसे रिस्पेक्ट कहते। लेकिन तुम्हें डांस करने से तो मना कर दिया ना? हाँ वो तो कर दिया, लेकिन जालिम और बुरे ना वो बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? अच्छे हैं वो। और ये वाला, ये बताओ। नहीं मुझे नहीं पता। उफ़ो, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, तो फिर आखिर क्या पता है तुम्हें? अम्मी इन सब का मुझे क्या पता होगा, ये सारे ख्वातीन के काम है, मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ ना, काफी नहीं है? सारे काम मैं बस अकेली करूँ, सब कुछ मैं डिसाइड करूँ, अगर आज मेरी फरी होती तो उसे बुलाए ना जो अपनी फैशन की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है, महापारा। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही कहीं? इसी की वजह से नाराज होकर गई है, इतना सा मुंह निकल आया था, हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है। आप बुलाएं उसे, मैं समझाता हूँ। बल्कि सकीना नहीं है वो, पता करवाया था मैंने, अस्मा के घर जाकर बैठ गई है। राय दियार, हुकुम चलाने और अकड़ दिखाने के लिए तुम्हें महापारा ही मिली, बचपन की बात और थी, अब तुम बड़े हो गए हो यार। अरे सुहेल भाई मेरी तरफ ऐसे मत देखें, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर ऐसी बात ना होती तो वो दुल्हन के घर तुम्हारे साथ जाने के बजाय अस्मा के घर जाकर क्यों बैठ जाती भला? तो मुझे क्या पता, मैं उसका मैनेजर लगा। अच्छा लिसन लिसन लिसन, तुम अभी जाओ अस्मा के घर से, उसे पिक करो और ये सब देकर आओ, जाओ। वो वहां जाकर क्या करेगी अम्मी, आप चले ना मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा, ये हर छोटी बड़ी चीज दुल्हन के घर देने मैं जाऊंगी या नौकरों के हाथ भिजवाऊं, अच्छा लगता है कोई भला? तो अम्मी जिसे आप भेज रही हैं उसे देखकर उन्हें अच्छा लगेगा, वैसे भी नौकर समझते हैं उसे। उनके समझने से क्या होता है, और राइत वैसे भी वो अकेली नहीं जा रही, तुम्हारे साथ जा रही, और तुम दूल्हा के भाई हो। अम्मी बस चुप कर जाओ, जाओ और ये दोनों चीजें वहां देकर, मैं फोन कर रही हूँ वहां जाके। तो ये कल नहीं लेके जा सकते हम? मैंने मशवरा नहीं मांगा तुमसे राइत, प्लीज अब मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी, ले जाओ शाबाश, चलो। नहीं बस ये बात, लड़ना नहीं अब। ओके ये लड़का भी ना, मैं फोन कर दूंगा वहां पर। तुम्हारा भी ना कसम से जवाब नहीं, इतनी नाराज हो कि मेहंदी में नहीं जा रही, लेकिन बुराई नहीं सुनोगी अपने हीरो की? बुराई तो मैं अपने दुश्मनों की भी नहीं सुनती, उनसे तो बस फिर नाराजगी है ना। जी जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेहंदी में नहीं आओगी तो मैं बोर हो जाऊंगी ना, एक काम करती हूँ मैं भी नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त शैला के पास होना चाहिए था ना बेटा, शादी का घर है, 100 तरह के काम होते हैं, और तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ जाकर कपड़े निकालो, भाई साहब की तरफ जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों आंटी आप मेहंदी में नहीं आएंगी? जाएंगी जी। बेटा इस तरह बोलते हैं आंटी आप मेहंदी में नहीं जाएंगी? हाँ मेरा वही मतलब था। जाएंगे बेटा, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है, और हम कोई फजल साहब के मुलाजिम तो हैं नहीं जो वक्त से पहले ही पहुंचकर अपनी ड्यूटियां निभाते फिरे। वक्त से पहले मुलाजिम थोड़ी जाते, वक्त से पहले तो अपने जाते हैं आंटी। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, मुलाजिम तो वहीं रहते हैं ना घर में, तो तुम्हें भी इस वक्त वहीं होना चाहिए था। मामा अरे बेटा मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि बाहर रायद आया हुआ है, गाड़ी में वेट कर रहा है इसका, और ये कामों से बचकर यहाँ बैठी हुई है। रायद बाहर गाड़ी में बैठे हुए, और मैं यहाँ कब से बैठी हुई हूँ? मैं जा रही हूँ इसमें। ओके लाफ़िस। ओके आंटी लाफ़िस। मामा क्या हो गया है आपको,
क्या जताने की कोशिश कर रही थी आप उसे? ठीक ही तो कह रही थी मैं, तुम्हें हजार बार एक बात समझाइए कि तुम एक बड़े कॉलेज जाती हो, वहां जाकर अमीर लोगों की लड़कियों से दोस्ती करो, लेकिन तुम्हें तो शौक है ना हमारा सर झुकाने का। तुम्हें शैला की मुंशी की बेटी ही मिली थी दोस्ती करने के लिए। मामा प्लीज। क्या मामा, मामा की रट लगाई हुई है तुमने? कपड़े निकालो अपने। ये सामान अम्मी ने दिया है, भाभी के घर देना है। बड़ा एहसान किया है ना आकर, जो इतना गरूर से बैठे हैं। अच्छा ये जो सामान है ना, ये प्लीज एहतियात से हैंड ओवर कर देना। ओके अच्छा, प्लीज कोशिश करना कि वहां से जल्दी हम फारिग हो जाएं, मुझे और भी बहुत से काम। सारी दुनिया की बातें कह सकते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है सॉरी, वो नहीं बोला जाता इनसे। बड़े आए अमेरिका से पढ़कर। बेटा वो लोग आ गए हैं। कौन कौन आया? राइद है और मेरा ख्याल उसके साथ कोई और भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? हाँ वो एक्चुअली आना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे उनके पाँव में चोट लग गई, तो वो कह रही थी कि मैं। अम्मी जी के पाँव में चोट लग गई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? वो एक्चुअली आपको गाड़ी में खामोश रहना पसंद है ना, इसलिए। अम्मी जी के पाँव में चोट, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपने डॉक्टर को दिखाया? और अम्मी जी के पाँव में चोट लगी, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? मैं बात कर लूं? बेटा तुम लोग तो आपस में झगड़ने लगे हो। अच्छा तुम लोग कुछ लो ना, अभी तक कुछ लिया ही नहीं। जी। अच्छा ये बताओ तुम अमेरिका में कितने साल रहे? आंटी मैं एक्चुअली 4 साल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं 2 साल बाद आया। और पढ़ने के अलावा वहाँ क्या करते रहे हो? घमंड। क्या घमंड? यही कहा ना तुमने? जी भाभी, दरअसल पाकिस्तान में जैसे लार्ज साइज पिज्जा के साथ जंबो कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलती है ना, इस तरह अमेरिका में एजुकेशनल डिग्री के साथ ढेर सारा घमंड फ्री में मिलता है। और यहाँ पर लोगों को बिना डिग्री भी सब कुछ मिल जाता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं, चलते हैं बस। अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ लिया भी नहीं तुमने? चाय मंगवा रही हूँ मैं, बैठो। अरे आंटी दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली वो अम्मी घर पे इंतजार कर रही हैं और प्लस आज रात की तैयारियां भी करनी है। तुम जिस काम के लिए आई थी वो कर लो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू। हाँ भाभी, ये आपकी ज्वेलरी, आपकी मर्जी के स्टोन्स लग गए हैं और लॉक भी ठीक करवा दिया है। अम्मी जी ने कहा है कि आप चेक कर लें। ये वाली ज्वेलरी आप वलीमे के ड्रेस के साथ पहनेंगी, और ये वाली बारात के जोड़े के साथ। मैंने वलीमे में वहीं से तैयार होना, तो ये साथ ले जाओ। लेकिन भाभी ये वाली ज्वेलरी तो आपको कल पहननी होगी ना? मैं कल कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी कौन सी नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है मापारा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फैशन सेंस पे चलूंगी? मेरी पसंद तुमसे बिल्कुल अलग है। जी जी। और जाओ, तुम्हारे साहब इंतजार कर रहे हैं। मालिक को इतना वेट नहीं करवाते, वरना झाड़ पड़ जाती है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं।
ओ हेलो, रुको। क्या? ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे दो, मैं खुद अम्मी को दे दूंगा। थैंक यू, मैं खुद अम्मी जी को दे सकती हूँ। अच्छा, यानी तुम घर के अंदर जाओगी? क्यों, मेरा अंदर जाना मना है? नहीं, मना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। मैं अम्मी जी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, यानी भरम खत्म? यार कम ऑन, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पर कायम रहना बनता था ना, सिर्फ आज के दिन। एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती। थैंक यू। नहीं नहीं खालदा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे वो बस ऐसे ही, रायत तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। जी भाई, मेरे बेटे की शादी है तो भाग दौड़ में ऐसे ही ज़रा सा पैर मुड़ गया था। अब ठीक हूँ मैं, हाजरा से कहें वो बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? ये जो तुम्हारा भाई है ना, अरे झूठ बोलना था तो मुझे बता कर तो जाते कम से कम, बैठे बैठाए मुझे चोट लगवा दी। अच्छा, यानी आपने सच बोल दिया? नहीं, अब तुम्हें झूठा थोड़ी करती उनके सामने। तो यानी झूठ बोल दिया। ऑब्वियसली, अब तुम्हारी बात भी तो रखनी थी मुझे। सुहेल भाई, ये ले। ओह, थैंक यू। एनी टाइम। सुबह जिस तरह तुम अकड़ कर गई थी, मुझे लगा दोबारा नहीं आओगी। यार कम ऑन, कम से कम आज के दिन तो अपनी बात पे कायम रहना बनता था ना, सिर्फ आज के दिन। एटलीस्ट तुम्हारी डिसीजन पावर का भरम तो रह जाता, इज्जत रह जाती। महापारा जरा। अरे भाई, इसने बोर्ड मारे, फोन को तो उठाओ, बजे जा रहा है। किसका फोन है? देखो, रहमत तो बात करना नहीं चाह रहा है कुछ। नहीं, अस्मा। क्या कह रही है, सुनो तो। मेहंदी में आने की जिद कर रही हूँ। अरे हाँ, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? मेहमान भी आना शुरू हो गए। मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही, लेकिन क्यों? क्यों क्या, आप तो खुश हो जाएं। आप भी तो यही चाहती हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊं। अरे भाई, शादी में जाने को थोड़ी रोकती हूँ, बेवक्त जाने को मना करती हूँ। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलना, मेरे साथ पीछे बैठना। मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है? चलो, मैं तो इस्त्री करवाने आई थी। सकीना से कह देना, वो कर देगी। अरे वो मेरी नौकर थोड़ी है। मेरी भी तो करती है ना। तुम भी गलत करती हो, वो तुम्हारी भी नौकर नहीं। अच्छा लाए, मैं कर देती। छोड़ दो बेटा, मैं कुछ और पहन लूंगी। तुम्हारे सर में दर्द है, दवा दे दूं कोई? नहीं, आप जाए, मैं ठीक हूँ। इसीलिए मना करती थी कि धूपो धूपो ना घूम, लेकिन नहीं, सहेली क्या भी जाना है, दुल्हन के पास भी जाना है। अच्छा खैर, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम परेशान मत होना। कौन सा हम रिश्तेदार हैं उनके जो उनको आखिर तक बैठे रहें। और हाँ, अगर सर में दर्द हो तो मुझे फोन कर देना। क्या बात है हाजरा, तुम्हारी सास तो इस एज में भी काफी अप टू डेट है। लगता है खूब कंपटीशन रहेगा तुम दोनों का। जो भी हो, लेकिन सोच वही है 19वीं सदी की। क्या मतलब है, 19वीं सदी की सोच होती तो आज तुम यहाँ कैसे होती भाई? ये मेरी जिद थी कि दोनों फंक्शन कंबाइन किए जाए। और तुम जानती हो आई, एक बार जो मैं जिद ठान लूं तो फिर मैं अपनी जिद पूरी कर ही रहती हूँ।
अरे भाभी फिलहाल ये जिद छोड़ें और जाकर बैठ जाएं प्लीज। आपको पता अगर आप यहाँ भाई के इंतजार में खड़ी रहेंगी ना तो बता रहा हूँ थक जाएंगी। पता है सुहेल भाई को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू राइट, मगर मैं उनके साथ ही जाकर बैठूंगी। आई हैव टू वेट। ओके एज यू विश, कोई मसला नहीं। फिर एक काम करते हैं ना, हम मिलकर वेट करते हैं। तब तक आप मुझे बताएं कि आपको आज की अरेंजमेंट्स कैसे लगी हैं। ये थीम जो है ना ये मैंने सेलेक्ट किया, काफी अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा ये है कि तुम्हारी वो नौकरानी नजर नहीं आ रही, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं इस्तकबाल के लिए भी तुम लोग उसे सामने ना खड़ा कर दो। कौन नौकरानी? महापारा और कौन? चले राज भाई, सुहेल भैया को लेकर आने, वो आपको बुला रहे हैं। हाँ सब। इस मासूम का मुंह नहीं थकता। इस रौनक में इसकी अम्मी जी को कोई परवाही नहीं है कि इनकी बेटी जैसी है कहां। वो बेचारी इनके चक्कर में दौड़ धूप करते सर दर्दे बैठी, और ये यहां अपने ढोल गानों की आवाज भी धीमी नहीं करेंगी। अरे सुलेखा बीवी, सलाम अलैकुम बड़ी बेगम। वालेकुम अस्सलाम। ये पुराना जोड़ा क्यों पहन लिया? वो जो मैंने सफ़ेद जोड़ा दिया था आज पहनने के लिए, नया वाला, वो क्यों नहीं पहना आपने? उस पर इस्त्री नहीं हुई थी इसलिए नहीं पहना। अरे तो महापारा से करवा लेती ना। ये महापारा है कहाँ वैसे? महापारा आई नहीं, उसके सर में दर्द था बहुत। सर में दर्द था? हाँ। अच्छा चले आप बैठे। आईना लगा हुआ है, खुद ही देख लो। आईना तो दोनों में तारीफ ही करेगा ना, आप सच कहेंगे? ये वाला जो है बह रहा, दर्द जो मिलना था मुझे बस वो मिल गया। अब यहाँ तभी छूटेगा जब आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे। और डिमांड क्या है? हम 50,000 से एक रुपया भी कम नहीं लेंगे। अच्छा एक सेकंड सबर करें भाई, आपको पता भी है कि 50,000 में कितने जीरो होते हैं? जी बिल्कुल पता है। क्या मतलब है इस बात का?
हम लोगों का एक ड्रेस इससे ज्यादा महंगा आता है, क्यों? वैसे यार बड़े अफसोस की बात है, फिर भी आप हमसे पैसे मांग रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? हाजरा, तुम्हारा देवर मुझे बहुत ही कंजूस लग रहा है वो। अरे यार हाजरा भाभी, आपकी ये जो कजन है ना, अच्छा चले छोड़े यार, क्या याद करेंगे, सोहेल भाई जरा जलवा तो दिखाए ना हमारी कंजूसी का। हाँ हाँ दिखाए ना, बताए तो सही। ये ले 50,000 रुपए और ये ले एक और 50,000 रुपए, 50 की जगह 1,00,000। चेक करे आप है? ओ भाई शोर मचाओ, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? माहीन अब तो उंगली छोड़ दो, अब तो पैसे मिल गए। हाँ भाई आज छोड़ दे, कोई मसला नहीं, हो जाता है कभी कभार। अच्छा ये सारी बातें छोड़े, मिठाई तो खिलाएं सोहेल भाई को, पैसे मिल गए सब भूल गई आप। हाँ शोर मचाओ ना भाई, क्या हो गया? ये जरूरी तो नहीं है कि रायत की वजह से ना आई हो सकता है कि उसके सर में दर्द हो। कोई सर में दर्द नहीं था, सकीना गई थी देखने, कह रही थी आराम से बैठी हुई टीवी देख रही है। अच्छा भाई खुशी का मौका है, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, मैं खुद जाकर देखता हूँ उससे। नहीं 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 एक सेकंड, क्या वाकई आप उसे लेने जाएंगे? हाँ बेटा। नहीं क्या हो गया आपको मॉम, आप मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे और कोई नंबर वंबर नहीं है मेरे पास। मॉम कम ऑन व्हाट्स रॉन्ग? बेटा ऐसा नहीं कहते, उसे दुख होगा ना तो तुम्हारी माँ का भी दिल दुखेगा। तो फिर क्या करूँ मैं अब? बल्कि एक काम करते हैं, मॉम की खुशी की खातिर ना मैं घर के सारे सर्वेंट से जाकर माफी मांगता हूँ, फिर सब सेट हो जाएगा। अरे रायत देखा आप? साहब जी ऑफिस से कुछ लोग आए हैं। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के देखने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। ये क्या तमाशा है? हमारा सर दर्द में कोई इतना वॉल्यूम बढ़ाता है? आपकी दीवार के इस पार हमारा घर, हमारी मर्जी, हम जो चाहे मर्जी तमाशा करें, टीवी के बाद जितनी मर्जी तेज रखें। और तुम्हारी मर्जी तुम्हें चाहे तकलीफ ही क्यों ना दे। हाँ दे दे, आपको क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो तकलीफ है ना दीवार के उस पार पहुंच रही है। वहां आवाज नहीं जाती है। लेकिन तुम्हारा दर्द तो जाता है। खैर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि जब अम्मी को पता चला कि तुम्हारे सर में दर्द है तो वो बहुत दुखी हुई है। आप तो खुश है ना? मेरी खुशी अहमियत रखती है तुम्हारे लिए, ये जानता हूं मैं। आपकी खुशी अहमियत रखती है कि ना, आपकी बातें दिल दुखाती हैं। अगर तुमने मेरी बातों को इतनी अहमियत दे ही दी है तो आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब चल रही हो? नहीं।
हाँ जी। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रसम नहीं करोगी? चलो शाबाश, रसम करो जाकर। चलो, 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 चलो। हाँ भाई अब तो खुश है ना? हुँ? ले आया आपकी चहेती को। बहुत खुश। वैसे भी मेरा बेटा हमेशा मुझे खुशी ही देता है। जरा ये लड़की कितनी अटेंशन सीकर है, हर तस्वीर में घुसी हुई है। देख लो हाजरा, इस घर का हर फर्द उसके हाथों का मोहरा बना हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे सास ससुर भी। सास ससुर को हैंडल करना इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ लोग होते हैं खुदा तर्स, अब वो अपने मुलाजिमों के साथ इमोशनल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाओगी ना, उन्हें अकल दे देना। मुझे जरा काम है, मैं देख कर आती हूँ। इमोशनल होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी के दिल में इमोशंस हों तो उन्हें कैसे निकालोगी तुम? तो ही ना, राय इतना प्रैक्टिकल है, अमेरिका में रहा है। 3 महीने हो गए मेरी और सुहेल की एंगेजमेंट को, उसने कभी मुझे ऑडियो वीडियो कोई कॉल नहीं की। और देखो जरा, उस नौकरानी को ले लेके घूम रहा है, उसके साथ डांस कर रहा है। God knows what's going on। मतलब ये कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मापारा का सोहेल भाई के साथ कुछ है। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही हाजरा, मैंने उन दोनों को देखा है। क्या देखा है तुमने? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सुहेल ऐसे नहीं है। मैंने तो जो देखा वो तुम्हें बता दिया। कब देखा तुमने? कल तुम्हारे मायों पे।
जब मैं वापस जा रही थी तो ये लोग बाहर थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे, और आज डांस के बहाने भी साथ साथ थे। क्या हो गया माही? तुम हमेशा ना गलती सोचना, तुम्हें लोगों में ना नेगेटिविटी देखने की आदत हो गई है। नहीं आंटी, मुझे नेगेटिविटी ढूंढने की क्या जरूरत है? लोग नेगेटिव होते हैं। अगर उन दोनों में कुछ नहीं था तो इतने क्लोज होकर क्यों मिल रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने कहा ना, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, और अगर वो सीन आप लोग देखते तो यही कहते जो मैं कह रही हूँ। माहीन, तुम्हारा ड्राइवर आ गया है और बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हाँ बस मैं निकलती हूँ। ओके हाजरा, अल्लाह हाफिज़। अब तुम ज्यादा मत सोचो इन बातों पर, इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। आपको आज की अरेंजमेंट्स कैसे लगे हैं? ये थीम जो है ना, ये मैंने सेलेक्ट किया। काफी अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा ये है कि तुम्हारी वो नौकरानी नजर नहीं आ रही, वरना मुझे तो लगा था कि कहीं इस्तकबाल के लिए भी तुम लोग उसे सामने ना खड़ा कर दो। बेटा, ऐसा नहीं कहते। उसे दुख होगा ना, तो तुम्हारी माँ का भी दिल दुखेगा। हाँ जी। अरे तुम जाग रहे हो, सोई नहीं अभी तक? हाँ बस, यू नो, मेरी छोड़े, आप बताएं, खैरियत तो है? अकेले इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या करूँगा, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ, बातें करेंगे। लेकिन फिर ख्याल आया तुम सो रहे होगे, बिला वजह डिस्टर्ब होगे, इसीलिए बस फिर ऊपर आ गया। हाँ पता है, आई डोंट नो कि आज रात को तो मुझे भी नींद नहीं आ रही, लेकिन अच्छा होता आप आ जाते, दोनों भाई बातें कर लेते। कैसी बातें? कुछ खास नहीं, बस यू नो, नथिंग इम्पोर्टेंट। बस मैंने ये सोचा था कि आज भाई की आखिरी रात है आज़ादी की, तो यू नो, कल से भाभी आ जाएंगी, तो क्यों ना हम दोनों आज क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है ना, ये बहुत कोऑपरेटिव बीवी साबित होंगी, उनके आने से मुझ पे या घर के माहौल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तुम जब चाहो आ सकते हो, बातें कर सकते हो, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अच्छा, पता नहीं क्यों सोहेल भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक भाभी को सही तरह से जज ही नहीं किया। मतलब अगर आप उनकी पर्सनालिटी गौर से देखें तो वो बड़ी डोमिनेटिंग नेचर की लगती है, मतलब आप उनसे कोऑपरेशन की उम्मीद मत रखिएगा। अगर ये बात है तो अपने भाई की भी एक बात सुन लो, जो औरतें डोमिनेटिंग होती हैं ना, वो जिंदगी के हर मामले में नुकसान उठाती हैं, इसीलिए मेरी बीवी होने के नाते उसे कोऑपरेटिव होना ही पड़े। सोहेल भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप किसी की नेचर को कैसे बदल सकते हैं? जैसे तुम बदल गए। अच्छा चलें, जरा हमें भी बताएं कि हमें कौन सी तब्दीली नजर आ गई आपको। मां पारा को अपने साथ ले जाना, डांस वगैरह, ये सब तब्दीली नहीं है तो क्या? नहीं, सोहेल भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है, वो एक्चुअली मैंने मॉम की खुशी की खातिर सब किया था, यू नो, वो अपसेट हो जाती है। अच्छा चलो, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुमने घर के माहौल को और इस घर को एज इट इज कबूल कर लिया। यू नो मी यार, यू नो मी। हाँ भाई, क्या सीन है? मॉम आप कॉल कर रही हैं या मैं खुद कॉल करूं? कल रात बारात है और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं रिश्ता तोड़ दूं? माहिन की कही हुई बात पर इतना बड़ा फैसला कर रही हो तुम? शादी तोड़ना मामूली बात नहीं होती है, ये क्या कह रही हो तुम? मॉम मैं कोई मिडिल क्लास या गरीब लड़की नहीं हूँ कि जिसकी एक शादी टूट जाएगी तो कयामत आ जाएगी। हम चाहे कितने ही हाई फाई क्लास के क्यों ना हो जाएं, हमारी रिवायात पुरानी ही रहेंगी। बारात से
एक रात पहले अगर रिश्ता टूट जाए तो वो तलाक से भी ज्यादा बुरा होता है। जितना भी बड़ा बुरा हो, मैं ऐसे शख्स से हरगिज शादी नहीं करूंगी जो अपने घर की नौकरानी में इन्वॉल्व हो। बेटा माहिन की तो आदत है, छोटी सी बात का पदंगड़ बना लेती है। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाती है, जो चीज तुम्हें पसंद आती है उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देती है, जिस चीज पर तुम हाथ रखती हो उसको लेने से मना कर देती है और अगले दिन वही सब कुछ पहनकर आ जाती है। मॉम ये मामला मेरी पसंद के कपड़ों या जूतों का नहीं है। मामला जो भी हो, माहिन तो वही है ना, पहली नजर में दीवानी हो गई थी शैला और सुहेल की फैमिली की। तुम्हें नहीं पता हाजरा, जो अभी तुम्हारे कानों में जहर घोल के गई है ना, तुम्हारी रस्म वाले दिन उसने क्या किया था, सुहेल का हाथ पकड़कर ऐसे बैठी थी कि हाथ छोड़ना ही भूल गई थी। और ये बात सब लोगों ने नोटिस की, यहाँ तक के उसकी बेतकल्लुफी शैला को भी पसंद नहीं आई। तो आप शैला आंटी को फोन करके बताएं कि वो गलत जगह नोटिस करती फिर रही हैं। उनका बेटा तो उनकी चहेती महापारा में इन्वॉल्व है। अगर वो महापारा में इन्वॉल्व होता ना तो उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी, वो शादी कर सकता था। हाँ तो ठीक है, कर लेता। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। शैला और फजल भाई उस लड़की को पलकों पे उठाए फिरते हैं। अगर एक बार भी सुहेल इंटरेस्ट जाहिर कर देता ना तो वो मना नहीं करते। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब सोच लो और किस तरह से अपने ससुराल में तुमने कदम जमाने उसके बारे में सोचो। बिला वजह अपने शौहर के लिए दिल में वहम मत पालो बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं बिला वजह उसकी बातों में आ गई। मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा मैं किसी को भेज रही हूँ, कमरा साफ करवा लेना ठीक है। नकारे बजते रहें कान पर, लेकिन मजाल है जो नींद पूरी होने से पहले आंख खोल दे। अरे आ रही हूं, सबर करो। अरे भाई एक बुढ़ी मां से क्या क्या देखे काम। आ रही हूं भाई। हेलो, तुम कितनी झूठी और धोखेबाज हो। बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज, तुम्हारी वजह से मामा ने मुझे कितना डांटा। मेरी वजह से? लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी वजह से कल फंक्शन में नहीं गई। लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें इतना मिस किया। बकवास बंद करो, कल तो कितने बड़े बड़े दावे कर रही थी, मैं मेहंदी में नहीं जाऊंगी, मेहंदी में नहीं जाऊंगी, फिर क्या हुआ? हाँ तो मैं नहीं गई ना। लेकिन मम्मा तो बता रही थी कि तुम गई हो और उन्होंने तो खुद तुम्हें डांस करते हुए देखा। मैं नहीं गई, वो मुझे लेने आए थे। वो कौन? वही ना, अब समझ भी जाओ। ओह यू मीन एंग्री यंग मैन? हाँ। डोंट टेल मी, सच में? वही तो, मैंने कहा था ना मेरी मोहब्बत की आंच उन तक जरूर पहुंचेगी। यू मीन टू से वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें लेने आए थे? सिर्फ लेने नहीं, सॉरी भी कहा। किस बात पे सॉरी किया? सब बातों पे। महापारा आई दादी। सुनो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आया है।
उठ गई, नाश्ता बनाऊं? सकीना आई थी? नहीं, उसकी आवाज आ रही थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ आई थी। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में रात की बिरयानी खाओगी या अंडा तंदूरी? सकीना क्यों आई थी? अरे तुम्हें पूछने आई होगी, और क्यों आती है वो? अच्छा तो ये नहीं बता रही कि वो क्यों आई थी, और अम्मी जी बुला रही हैं। कब से नाश्ता नाश्ता किए जा रही हैं। अगर पहले बता देती तो जिस तरह तुम कल अम्मी जी की मोहब्बत में भागी चली गई थी ना, इस तरह खाली पेट ना दौड़ जाती। तो क्या हुआ, मैं वहाँ जाके नाश्ता कर लूंगी, और आपको पता तो है अम्मी जी मेरे बगैर नाश्ता नहीं करती हैं। अच्छा भाई, तुम्हारी अम्मी जी हमसे ज्यादा प्यार करती होंगे। पहले मेरी बात सुनो। जी अब्बा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी दर्द नहीं है। अब मैं जाऊं, अम्मी जी इंतजार कर रही होंगी ना। हाँ अम्मी जी का एहसास है, अपने बाप की जरा परवाह नहीं है, रात से तुम्हारे जागने के इंतजार में बैठा हुआ है। इसीलिए बैठा है कि तुम उठो तो तुम्हारी तबीयत पूछे और फिर जाए। क्या हुआ अब्बा, कोई बात थी तो मुझे जगा देते। कुछ नहीं हुआ भाई, और तुम्हें जगा कर तुम्हारे सर का दर्द और बढ़ाता। मेरा सर दर्द? अम्मा बता रही थी रात को तुम्हारे सर में दर्द था, तो मैंने सोचा इंतजार कर लेता हूँ, तुम जाग जाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के दिखा के जाऊंगा, कहीं सर दर्द ज्यादा न बढ़ जाए। रात को तुमने शोर शराबा भी तो बहुत किया था, इतनी रौनक लगा के रखी हुई थी, कहीं तुम्हें नजर ही न लग गई। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अब्बा, अगर तबीयत खराब होती तो रौनक कैसे लगाती। आप बिना वजह मेरी फिक्र में सारी रात जागे। तुम्हारी फिक्र में तो मैं सारी जिंदगी जाग सकता हूँ बेटा। अच्छा अम्मा देर हो रही है, मैं चलता हूँ, और तुम नाश्ता कर लेना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो इधर, बस भागने की जल्दी है। सकीना अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ओके? ये हमने किया क्रैक, और लवली थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, और फिर इसको कर दो मिक्स। तो इसने भी तो यही डाला था। सकीना वहां के बजाय यहां ध्यान दो, गौर से देखो। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये कितना है, एक सेकेंड, ये आधी चमची। चमची? हाफ टी स्पून। कितना? हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून, शाबाश। ठीक है, मुझे ना कम से कम ऑयल पसंद है अपने ऑमलेट में। सकीना उधर क्या देख रही हो, इधर ध्यान दो ना। जी महापारा, कहाँ थी मेरा बेटा, कब से बुलवाया है तुम्हें, अब आई हो, इंतजार करवाते हैं अपनी अम्मी को इतना। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ अम्मी जी। नाश्ता किया तुमने? भाई इस लड़के ने ना हशर मचाया हुआ है घर में, हर चीज पर नुक्ता चीनी, अभी पूरा किचन फैला कर रखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है सकीना ना काम छोड़ देगी। इन्हें अचानक क्या हो गया है, पहले तो ये कभी किचन में नहीं गए थे। बाहर रहकर आया ना, हर काम खुद करने की आदत पड़ गई है। अरे भाई एक एक चीज में मीन मेख निकालता है, कभी नमक ज्यादा लगता है, कभी मिर्च ज्यादा लगती है, आज ऑमलेट में तेल ज्यादा लग रहा था तो खुद बनाने खड़ा हो गया। तो ये तो खुशी की बात है ना कि सुगड़ हो के आए। सुगड़ का तो नहीं पता, लेकिन बहुत चूजी हो गया। हाँ जी, क्या बुराइयां चल रही मेरे बारे में? कोई बुराई नहीं चल रही, महापारा कह रही है कि तुम अमेरिका से बहुत सुगड़ होकर आए हो। अच्छा, कल तो तुम कह रही थी कि मैं अमेरिका से बहुत घमंडी होकर आया हूँ। हाँ तो वो तो है आप। मैं घमंडी हूँ तो नहीं है क्या? अरे बस बस बस, अब बहस में मत उलझ जाना, मेरा काम रह जाएगा, वरना नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है तुम्हारा। बेगम साहिबा इसका क्या करना है? हाँ लाओ तो। ये क्या है? मेरा जोड़ा है बेटा, जो मुझे आज रात को बारात में पहनना है। वो तो ठीक है, लेकिन ये चल कैसे गया? प्रेस के लिए भेजा था लॉन्ड्री, वहीं से आस्तीन जलाकर भेजा। अब फिर? फिर अब क्या,
मैंने डिजाइनर को कॉल कर दिया, तुम जाओ और इससे मिलता जुलता कोई ड्रेस लेकर आ जाओ। बस देखना जरा ज्वेलरी मैच कर जाए इसके साथ में। एक काम करती हूँ, वहां पे जाके आपको ड्रेस की पिक्चर्स भेजती हूँ, फिर आप पसंद कर लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है जाया करने के लिए, तुम अपनी पसंद का ले आओ। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद से अलग थोड़ी है। मैं दादी को बता के आती हूँ। रायत बेटा तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद जाकर हाजरा को दुपट्टा दे आओ। क्या आज दुपट्टा देने जाना है? नहीं नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रहा। तो फिर बेटा मैं जाऊंगी क्या? जाहिर सी बात है आप नहीं जाएंगी, लेकिन आप उसके हाथ भिजवा देना, वैसे भी आपके सारे काम वही तो करती है। तुम्हारे सामने अभी मॉल जा रही है ना, मेरा ड्रेस चेंज करवाना है उसने, फिर कब आएगी कब जाएगी, इतनी देर हो जाएगी, तुम जाकर दे आओ। नहीं देर नहीं होगी, और वैसे भी जहाँ पर वो जा रही है शॉपिंग मॉल खालदा आंटी के घर के पास ही है, आप एक दफा कह दें वो चली जाएगी ना वहाँ पर। रायत प्लीज, मैं उसे दरअसल वहाँ भेजना नहीं चाह रही आज, खामखा अगर खालदा ने कोई बात कह दी तो इस खुशी के मौके पर उसका मूड खराब हो जाएगा, कल ही इतनी मुश्किलों से तो मानी है। तो अम्मी अगर ऐसी बात है आप एक दफा खुलकर उन्हें उसकी हैसियत समझा दें, उन्हें पता होना चाहिए कि जिसे आप अपनी बेटी कहती हैं उसे अपनी बेटी की तरह ओन भी करती हैं। बेटा समझा दूंगी, अभी तो नया नया समझाना बनाए, मैं खामखा में सबको शादी के मौके पर नाराज नहीं करना चाहती। मैं इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, जिसके लिए आपके दिल में जो मुकाम है वो महफिल में भी नजर आना चाहिए, राइट? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शादी से पहले आपको हर बात क्लियर कर देना चाहिए थी, वरना महापारा पे नवाजिशात मत करें। मैंने कर दी थी क्लियर सारी बात, बता दिया था खालदा को कि महापारा हमारी बेटी जैसी है और उसकी खुशी हमें बहुत अजीज है, लेकिन पता नहीं माइयों वाले दिन क्या हुआ है खालदा को, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मेरी कोई बात याद ही ना हो। चले खैर है, कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, भूल गई होंगी लेकिन हम फिर याद दिला दें। रायत एक मिनट, कौन आया है? बाजी वो जो भी है ना आपके ससुराल से आए हैं। ऐसा कौन आ गया जो इसके गालों पे भी लाली बिखर गई? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं। बस मैं सोच रही थी कि किसी दिन चक्कर लगाऊं तुम्हारे पास, मम्मी की खैरियत मालूम करूं। एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा तो वो तुम हो, खैर कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, वो ये आपका दुपट्टा मॉम ने भेजा है। अच्छा तुम लोग बैठ के बात करो, मुझे जरा काम है, मैं भी आई। जी जरूर, टेक केयर। बस सिर्फ दुपट्टा लाए हो? क्यों, और कुछ भी लाना था? हाँ वो हर बार तुम अपनी नौकरानी को साथ लाते हो ना, सो आई वंडर्ड कि आज वो साथ नहीं आई। कौन सी नौकरानी? वो क्या नाम है उसका, महापारा। भाभी आप भी ना, क्या हो गया आपको? देखिए महापारा नौकरानी नहीं है, वो हमारे घर की एक फर्द है, और मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, कल भी तो बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन इट्स ओके। हाँ बताया था कि वो मुंशी की बेटी है, और इस हिसाब से तो इस हिसाब से वो नौकरानी तो नहीं हुई। शायद जैसे मालिक का बेटा मालिक होता है, वैसे नौकर की बेटी नौकरानी होती है। अब तुम लोग मानो या ना मानो वो अलग बात है। You see the thing is भाभी that उसे मॉम एंड डैड बेटी कहते हैं, और जिस घर के मालिक किसी को बेटी कह दें वो तो फिर बेटी ही होती है ना। अब अगर ये कोई बात माने या फिर ना माने, कम से कम आप तो माँ पारे की हैसियत मान लेना। ये मालिक वाली बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, और वैसे भी कल से घर के मालिक और मालकिनों में इजाफा होने वाला है, फिर देखेंगे उसकी औकात।
फिर तुम्हें उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि वो उस घर की बेटी है या नौकरानी। तो फिर भाभी आप कल का इंतजार क्यों कर रही हैं? मैं आज आपको बता रहा हूँ ना। देखिए महापारा की हमारे घर में एक हैसियत है और रहेगी। अब बेहतर होता है कि आप ये बात पहले जान जाती। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, सो क्या कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड योर सर्कमस्टेंसेस। आई मीन अब तो पूरी उम्र पड़ी है मान लेने के लिए। खैर यू टेक केयर, मैं चलता हूँ। ओके बाय। अरे बेटा ये तो सारी जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ भी लगाने ना फूल। और भाई बात सुनिए, ये जगह है ना, यहाँ पे ताज़ा फूलों की पत्तियाँ आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जब इस कमरे में आए तो उसका दिल खुश हो जाए। वैसे कमाल है मॉम, आप पहली सास होंगी जो अपनी बहू की राहों में फूल बिछवा रही हैं। और तुम इस दुनिया के पहले बेटे होगे जो अपनी अम्मा को सास बनाने पर तुले हुए हो। अच्छा ये रायत कहाँ बिजी है, दिखाई नहीं दे रहा? रायत तो बहुत बिजी है आजकल, बहुत काम कर रहा है भाई। मेरा बच्चा अभी भी तुम्हारी ससुराल गया हुआ है। मेरे ससुराल क्यों? अरे हम तो महापारा के फैशन सेंस से इतना इंप्रेस थे, लेकिन यहाँ तो लगता है कि बहू नहीं कोई फैशन डिजाइनर लेकर आ रही हूँ। भाई हाजरा ने हर चीज यानी के ज्वेलरी, ड्रेस और दुपट्टे तक की बीड्स चेंज करवाई थी, वही देने गया। तो आप मना कर देती ना, जो आपने सेलेक्ट किया है उन्हें वही पहनना चाहिए। नहीं नहीं मना क्यों करती, उसकी शादी है, बार बार थोड़ी होती है, हक बनता है उसका। और फिर पहनकर मेरे ही घर आएगी ना। वैसे मॉम आपने उनकी हर बात मान के ना अपना रोब खत्म कर दिया। नहीं नहीं बहुएं रोब झाड़ने के लिए थोड़ी ना लाते हैं। मैं उसकी माँ बनकर चलूंगी तो वो बेटी की तरह मेरी फरमाबरदारी करेगी ना। जिस तरह ज्वेलरी और कपड़ों में आपकी फरमाबरदारी की है वैसे ही। अरे नहीं बेटा वो तो महापारा की पसंद के थे और महापारा अभी छोटी है, तो मेरे ख्याल हाजरा की जरा मैच्योर पसंद है, इसीलिए उसने चेंज करवाई चीजें। इट्स ओके। आपकी बहू की मैच्योर चीजें अरेंज करने में मेरा भाई वक्त से पहले मैच्योर ना हो जाए। ठीक कह रहे हो, मेरे एक ही दफा कहने से तुम्हारी ससुराल चला गया। 3 दिन पहले अपना ड्रेस लेने भी नहीं जा रहा था और आज एक ही दफा कहने पर फौरन चला गया। तो फिर मालूम करें कहाँ है वो, ऐसा ना हो कि आपकी बहू की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी मॉल में खड़ा हो, कुछ शॉपिंग कर रहा हो। पागल हो तुम, ये खत्म करवाओ जरा काम। हाँ। जल्दी जल्दी। हाँ प्लीज आप लोग जरा जल्दी जल्दी कर लें। जैसे मालिक का बेटा मालिक होता है वैसी नौकर की बेटी नौकरानी होती। अब तुम लोग मानो या ना मानो वो अलग बात है। कल से घर के मालिक और मालकिनों में इजाफा होने वाला है, फिर देखेंगे उसकी औकात, फिर तुम्हें उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि वो उस घर की बेटी है या नौकरानी। आप उससे प्यार तो करती हैं मॉम,
लेकिन आप उसे सबके सामने 100% ओन करने से डरती हैं। आप उसे इंसल्ट से बचाना चाहती हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करवा पा रही। लेकिन मैं हूं ना आपकी मां पारा की हैसियत, अब मैं सब पर वाज़े करूंगा। किसी की मजाल जो मेरे मां बाप के फैसले के खिलाफ जाए, चाहे वो मेरी भाभी ही क्यों ना। आपने अच्छा नहीं किया भाभी, मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। अरे राहित कहाँ थे? अरे सोहेल भाई यार, I'm so sorry, वो आपकी कॉल्स बार बार आ रही थी, वो एक्चुअली फोन साइलेंट होता है। अम्मी इंतजार कर रही थी, कह रही थी पता नहीं कहाँ चला गया। तैयार कब होगे? तैयार? अरे सोहेल भाई अभी तो बहुत वक्त है। अरे हाँ अभी तो बहुत वक्त है, मुझे लगा काफी देर हो गई है। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। आपको भी बहुत जल्दी अपनी बारात लेकर जाने की। हाँ अरे मुझे कोई जल्दी नहीं थी, अम्मी को ही जल्दी थी, बस उन्होंने ये बला मेरे गले डाल दिए। चले आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, हर बला का तोड़ है मेरे पास, आपकी बला को भी सीधा करूंगा। इसे क्या हुआ? कितने अच्छे ड्रेसेस पसंद किए तुमने मेरे लिए, वेरी नाइस। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? फिर वही बात, मैं क्यों ना होती? मैं हमेशा से थी और हमेशा आपके पास रहूंगी, सुना आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहोगी। अरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? आज फरी होती तो भाई की शादी में ऐसे हथेलियां सूनी लेकर जाती। कहां सूने हैं ये देखें, कितना गहरा रंग आया है, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा डिजाइन है। भाई अब्बा को यही वाली मेहंदी लगानी आती है, उन्होंने हमेशा से मेरे हाथ पे यही मेहंदी लगाई है, और मुझे भी ना अपने हाथ इसी मेहंदी में अच्छे लगते। कौन सा पहन? ठीक है, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। मैं इन्हें थाम कर अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो तुम मुझे इन पर कोई और डिजाइन लगाने क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ पे सिर्फ यही डिजाइन अच्छा लगता है। मगर मैं ये डिजाइन लगा लगा कर थक गई हूं, और इसे देख देख कर मैं अपनी सारी उम्र गुजार सकता हूं। तुम्हें पता है सोहेल, मैं ही सिर्फ गोल्ड टिकिया तुम्हारी खुशी की खातिर लगाती हूँ, वरना जिसे तुम चांद कहते हो, मुझे ये बिच्छू और ये उंगलियां मुझे बिच्छुओं का पंख लगती हैं, जो हर वक्त मुझे डंग मारती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये मेरा माजी याद दिलाता है। मुझे भी। तो फिर भी तुम चाहती हो कि मैं इसके अलावा कोई और डिजाइन ना लगाऊं? क्योंकि तुम्हारा ये माजी मुझे मेरी मोहब्बत की ताकत का एहसास दिलाता है। हाँ, ये तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ही है जिसने बाजार की जीनत को बावफा औरत बना दिया। नहीं, आइंदा कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करना खुद के लिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मोहब्बत हो तुम मेरी, और मेरी मोहब्बत बाजारों और बिकाऊ नहीं हो सकती। इतना मत चाहो सोहेल, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। तो हो जाओ मगरूर।
बस मापारा बेटे रहने दो, जो ज्वेलरी दुल्हन पहनना चाहती है ना वही पहनेगी। लेकिन ये तो आपकी चॉइस है। मैंने कहा ना रहने दो, और अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ वरना बारात में लेट हो जाएंगे हम लोग। रख दो। मापारा जी, ये हाथ में क्या लिए फिर रही हो? भाभी के बारात का जेवर है। हाँ तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मुंह क्यों फुलाया है? मुंह नहीं फुलावा, लेकिन मैं परेशान हूँ। परेशान क्यों हो? तुम्हें भी ऐसा सेट चाहिए? मुझे क्यों चाहिए होगा, तो दुल्हन का है ना। तो फिर अब आपको भी शुरू से समझाना पड़ेगा। देखिए ये सेट भाभी के बारात के ड्रेस की मैचिंग का है। ठीक है, लेकिन भाभी ने मुझे देखकर कहा कि वो वलीमे के साथ पहनेंगे जिसके साथ ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो पहनने दो। मतलब आपकी दुल्हन पे मेरा इतना भी हक नहीं है कि वो मेरी पसंद की ज्वेलरी पहन सके। अरे बाबा, हम सब पर तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन भाभी पर तो नहीं है ना। भाभी पर भी है, ऐसी क्या बात हो गई? ये सेट तुम अपने साथ रखना, मैं भाभी को कॉल कर देता हूँ, आज वो यही सेट पहनेंगी। अरे मापारा, तुम यहाँ पर हो? दादी तुम्हें बुला रही है, तुम उन्हें बताकर नहीं आई थी क्या? मैं तो भूल ही गई। तो जाओ। ओके। अरे सोहेल भाई, ये क्या फोन पर लग गए हैं आप? चले ना मेरे साथ, बारात के लिए तैयार नहीं होना क्या? अरे एक मिनट यार, एक जरूरी कॉल करनी है, खालदा आंटी को कॉल कर रहा हूँ। खालदा आंटी को या फिर भाभी को? वो अलग बात है कि कॉल तुम्हारी भाभी को ही करनी है, मैसेज उन्हीं के लिए। देखें अगर मैसेज भाभी तक ही पहुंचवाना है तो खुद जाकर पहुंचा देना, आई एम श्योर अच्छा लगेगा उन्हें। और देखें दिल की बात ना दूसरों के मुंह से मत कहलवाएं, खुद जाकर कहते हैं, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए बंदे के अंदर। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, तुम्हारी भाभी को कह देता हूँ। अभी खालदा आंटी की कॉल आ रही है, इनसे क्या कहूँ? मैं बात करता हूँ, चेक करें। हेलो, जल्दी आएगा भाई। रह गया है रायत। वो रायत की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि रास्ते में ही बस पहुंचने वाला है। हो सकता है कि किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। अच्छा नहीं लग रहा ना, सब लोग खड़े हैं, हम अंदर चलते हैं। रायत देखो क्या कह रहे हो। हेलो रायत, कहाँ रह गए हो बेटा?